वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं थोड़ा खुश हूँ, थोड़ा और ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे को फाइनली परमिशन मिल गई है घर जाने की, क्योंकि डिन सर का ही परमिशन लेने में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम था, क्योंकि वो बहुत बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने पहले देखा कि पैरवी कोर्स है, तो पहले तो वो बोले कि आप मतलब हॉस्पिटल ड्यूटी है तो आप कैसे छोड़ के जाओगे। तो फिर मैंने बोला कि मैम मेरा टिकट हो चुका है 14 जुलाई का और मेरे को जाना है। तो बोलती है कि ठीक है, बट आपको हॉस्पिटल प्रैक्टिस में आपको जाचोत नहीं दिया जाएगा। तो मैंने बोला ओके मैम, जब मैं आऊँगा तो मैं उसको कंटिन्यू करेगा। देन वो साइन कर दी और मेरे को परमिशन मिल गया। तो मेरा 14 को फ्लाइट है और मैं 15 को इंडिया। तो यार अब लग रहा है कितना जल्दी मैं घर जाऊँ। तो अभी मूड थोड़ा रिलैक्स हुआ है, तो अभी हम जा रहे हैं कॉफ़ी के लिए और उसके बाद छोटा सा शॉपिंग करना है और देन उसके बाद हम हॉस्टल। तो मिलते हैं। मैंने एक रशियन को देखा, हरे कृष्णा, तो मैं उनसे मिलने का कोशिश करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। यार बहुत अच्छा लगता है यार, जब आप कहीं मतलब कोई कंट्री में जाओ और आपको मतलब आपके गॉड के बारे में कोई एक ऐसा बंदा मिल जाए, मतलब यार बहुत सुकून मिलता है यार। मतलब जैसे लगा यार कि नहीं यार हमारा हिंदू धर्म है, बहुत ये लोग लाइक करते हैं हिंदू धर्म को यहाँ पर, क्योंकि ये आज मेरे साथ हुआ है। और कुछ दिन पहले भी मैं कभी कभी जाता था तो ये मतलब चलते चलते रोड पे बहुत लोग दिख जाते थे। ये तो मतलब ये इनका ड्रेसअप तो कुछ और था, जैसे नॉर्मल पीपल, जैसे अपने पीपल जो नॉर्मल ड्रेस में रहते वो चलते चलते इंडियन को देख के हरे कृष्णा बोलते थे। तो यार बहुत ही अच्छा लगता था और हमें गर्व है कि हम इंडिया से हैं और ये इंडियंस को बहुत ही लाइक करते हैं। मतलब इनको दिख जाए इंडियंस है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब ये प्यार बांटते हैं, बहुत ही इनको अच्छा लगता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने, क्योंकि मेरे को कल टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरे को कल कोविड का टेस्ट करवाना है और फिर 14 को मेरे को घर जाना है। तो उस टाइम मैं हॉस्टल में आ गया था, फिर सोचा कि मैं आज बाल कटवा ही लूँ। तो मैंने इनके साथ इनको रिक्वेस्ट की कि चले प्रभु जी, चले मेरे साथ। तो मैं इनको ज़बरदस्ती लेकर आ गया। जब बुलाओगे तब जाएंगे, अपॉइंटमेंट अपना 8 बजे का है, 10 मिनट हो जाएंगे। हाँ, तो 8 बजे से अपॉइंटमेंट है और मैंने सोचा कि आपको भी दिखाऊँ, फिर आप कमेंट करना कि मतलब कैसा कटिंग है, क्या होगा, कैसा रहेगा। तो मिलते हैं। Здравствуйте, Вича. У меня есть appointment. Что? Haircut. Сейчас, одну минуту, хорошо, я закончу с клиентом. Ладно.
फाइनली मैंने हेयर कट करवा लिया, तो आप बताएं कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दस विदानियां। और गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, फोड़ डालो यार वो लाल बटन एकदम फोड़ डालो, और पड़ोसी के साथ भी शेयर करो यार।